हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर नॉलेज एंड कैरिकुलम पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर जो 2021 में पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो मैक्सिमम मार्क होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं और जो टाइम दिया जाता है वो 3 आवर्स दिया जाता है। देखिए, तीन सेक्शंस में डिवाइड होता है। जो पहला सेक्शन होता है उसमें 10 क्वेश्चन रहता है जो कि सारे कंपलसरी होते हैं, आपको करना ही होता है। जो सेकंड होता है उसमें कुछ ऑप्शनल होता है, उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट वाला जो सेक्शन सी होता है उसमें 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, जीवन में शिक्षा का स्थान। दूसरा जो है वो पूछा गया डिफरेंस बिटवीन विद्या एंड अविद्या, विद्या और अविद्या में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट जो था वो था 82 एम ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद के 2 उद्देश्य। नेक्स्ट जो पूछा गया था मीनिंग ऑफ रियलिज्म यानी यथार्थवाद का अर्थ, ये सारे मैंने करवा दिए हैं नोट्स के थ्रू। नेक्स्ट जो था डिफाइन सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। 82 प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यक्रम के 2 सिद्धांत, डिफाइन कल्चर, ये भी जल्दी कराया। संस्कृत को परिभाषित कीजिए, कल्चर क्या है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, प्रजातांत्रिक मूल्यों का अर्थ, डिफाइन मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए। देखिए, सेक्शन बी जो है उसमें क्या होता है कि 200 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं और इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल होंगे, उन दोनों में से कोई एक करना होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्क्राइब द नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दर्शन की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो यही फिलॉसफी और एजुकेशन के इर्द गिर्द होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सप्लेन सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है डिस्कस द एम ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म के, उसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। या फिर आप कर सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेदांत दर्शन ऑन मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि आधुनिक शिक्षा पर वेदांत दर्शन का क्या प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट हैज बीन सेड अबाउट गॉड एंड सोल इन बुद्धिज्म, यानी बौद्ध दर्शन में ईश्वर और आत्मा के विषय में क्या कहा गया था, ये आपको बताना है। या फिर आप कर सकते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। 6 पूछा था व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है। या फिर आप कर सकते थे डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के विकास की विवेचना कीजिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन सी हो जाता है, उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं और वो 30 मार्क्स करते हैं, यानी कि जो 1 क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का होता है, उसको लिखना भी होता है 500 वर्ड्स में। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, यानी शिक्षा में समाजशास्त्र की क्या अवधारणा है, समाजशास्त्र एवं शिक्षा में संबंध का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैमिली इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया में एक परिवार की भूमिका का वर्णन कीजिए। 9 जो है व्हाट शुड बी द कैरिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, प्रकृतवाद के अनुसार पाठ्यक्रम यौन शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए। एंड 10th है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एम ऑफ एजुकेशन एंड कैरिकुलम, यानी शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के संबंध का वर्णन कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कोई आपको 2 करना जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप दिस हेल्पफुल फॉर यू।